नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सेलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी, आपका गाइड। आज बात करेंगे आपसे आपके हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में और बाकी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इस एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम जानेंगे, 1857 की क्रांति को जानेंगे कि ये क्यों हुई, क्या ये उसी समय का तत्कालिक प्रभाव था या बीते कुछ समय से ऐसे विद्रोह विद्रोह की भावना, विरोध की भावना पैदा हो गई थी लोगों के मन में जो उस समय आकर फूट गई। क्या इसका कारण सिर्फ गाय और सूअर की चर्बी का मांस था या कुछ और भी था? तो थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कारणों को, प्रभाव को, क्यों हुआ, बाद में क्या इम्पैक्ट हुए, क्या इसके प्रमुख नेता थे। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ पढ़ेंगे पूरा रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम आज फिनिश फिनिश करेंगे आगामी वीडियो के साथ, अगर आज होता है तो आज, नहीं तो अगली वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को इतना अच्छी तरीके से वायरल कर दो कि पूरे देश में ये वीडियो फैल जाए। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की स्टार्ट करने से पहले मैं आज इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु जिनसे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही गया है, जैसे कि जब विद्रोह हो रहा था उस समय, यानी कि 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? पाम स्टॉन। भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मुगल सम्राट थे उस समय के, तत्कालीन मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह फैल गया जगह जगह, ये विद्रोह हो रहा था, तो विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किए गए जिनका नाम था कैंपवेल। तो हर विद्रोह के कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ प्रतीकों, कुछ झंडों के नीचे विद्रोह चल रहा होता है जिससे लोग जुड़ते हैं। तो इसी तरह से इस विद्रोह के प्रतीक थे कमल और रोटी। कमल और रोटी को इस विद्रोह का प्रतीक बनाया गया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिनके बारे में मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं इस विद्रोह को लेकर कि विद्रोह के कारण क्या रहे, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों। विद्रोह के कारण, तो विद्रोह के कारणों में मैं आपसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह के कारकों की बात करूंगा। तो पहले कारक की बात करते हैं, आर्थिक कारक। इकोनॉमिकल रीजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, हम लोग जानते हैं कि जब मुगल, जो सॉरी, जब अंग्रेज आपके देश में आए तो हुआ क्या कि आपके देश में एक नई प्रथाओं ने, कई सारी प्रथाओं ने जन्म जन्म लिया, जैसे जमींदारी प्रथा है, रैयत बाड़ी है, महाल बाड़ी है। तो रैयत बाड़ी, जमींदारी, महाल बाड़ी जैसी प्रथाओं के तहत अधिकतम कर लगाया गया। तो पहला रीजन क्या बना? पहला रीजन बना महाल बाड़ी, रैयत बाड़ी, जमींदारी प्रथाओं के तहत अधिकतम लोगों से बहुत ज्यादा कर लिया गया, जो थी उनके हिसाब से उनसे कर लिया जा रहा था, उत्पादन था नहीं, पैदावार थी नहीं, और ज्यादातर कर के बोझ के तले किसान दबता जा रहा था। तो ये समस्या आपके देश में हुई। दूसरा, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। उद्योगों का पतन कैसे हुआ? उद्योगों का पतन ऐसे हुआ कि अंग्रेज जब आपके देश में आए तो अंग्रेजों का उद्देश्य था एक बड़ा बाजार देखना। अंग्रेजों का उद्देश्य था, आप जानते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, औद्योगिकरण था, वो ब्रिटेन में चरम पे था। और ब्रिटेन अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के उद्देश्य के लिए, कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए पूरे विश्व में बाहर निकला।
तो ब्रिटेन जब बाहर निकला और जगह जगह कॉलोनियां स्थापित करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसको रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, कच्चे माल की जरूरत थी, और कच्चे माल के तहत भारत में आया। भारत में कच्चा माल बहुत आयात में था। अब बहुत आयात में भारत में कच्चा माल मौजूद था, तो अब ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल को अपने यहाँ लेके गए, मशीनों से उसको तैयार किया, लागत कम आई। अब लागत कम आई, आपके यहाँ जिसकी लागत आ रही थी 10 रुपये, ब्रिटेन में उसकी लागत आ रही थी 5 रुपये, तो आपके व्यापारी उसको 15 में बेच रहा था और ब्रिटेन उसको 10 रुपये में बेच रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का क्या हो गया, पतन हो गया। क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। अब भारतीय उद्योगों का पतन हो गया जिससे क्या हुआ, मजदूरी में गिरावट आई, यानी कि मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही थी, ठीक है। और लगातार इस दौर में क्या हुआ, अकालों की लंबी श्रृंखलाएं रही। नई भूमि राजस्व नीति के तहत भारी कराधान लिया गया, भारी कर, और ये सब कारण बने आपके देश में किसके लिए, आपके देश में आर्थिक कारण, जो अंग्रेजों के विरोध में चले गए, अंग्रेजों के खिलाफ लोग होने लग गए, तो ये रीजन बने आपके देश में इकोनॉमिकल। अगले रीजन्स की बात करता हूँ, राजनीतिक कारण, और बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजनीतिक कारण को जानना। तो अगला है हमारा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करूंगा मैं आपसे राजनीतिक कारण में, जैसे कि लॉर्ड वेलेज अली की सहायक शक्ति। किसकी बात करेंगे, लॉर्ड वेलेज अली की सहायक शक्ति। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत क्या हुआ कि भारतीय राजाओं को अपने राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी। सहायक संधि में क्या हुआ कि हम आपको सहायता करेंगे, अंग्रेजों ने सिद्ध तो कर ही दिया था वांडी वॉस प्लासी के युद्धों के माध्यम से, जब अंग्रेज कर्नाटक युद्ध हो रहा है, मैं आपने बहुत सारे युद्धों की क्लास आपको दे मिल ही चुकी हैं, तो युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को स्थापित तो कर ही दिया था, तो उस शक्ति को स्थापित कर दिया था तो हम आपकी रक्षा करेंगे इस उद्देश्य के साथ, ये उद्देश्य राजाओं को दिखाया गया। और भारतीय राजाओं के पास क्या हुआ, सहायक संधि, जो राजा इनके साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता उसको अपने राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था, कंपनी की टुकड़ी को रखना पड़ता था। इसमें क्या होता था, भारतीय राजाओं को अपने राज्य क्षेत्र में कंपनी की सेना रखनी पड़ती। अब कंपनी की सेना जब रखी जाने लगी तो इससे होने क्या लगा, नुकसान क्या होने लगा, नुकसान ये होने लगा कि कंपनी की सेना का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, और प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगी, और राजा की स्वतंत्रता का क्या होने लगा, हनन होने लगा। इससे क्या नुकसान हुआ राजा को, राजा को नुकसान हुआ राजा की स्वतंत्रता का हनन, स्वतंत्रता बाधित होने लगी। और जब राजाओं की स्वतंत्रता बाधित होने लगी, राज्य में क्या हुआ, राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तो दो रीजन के बारे में बात की अभी मैंने आपसे, एक आर्थिक कारण में महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी प्रथाओं के माध्यम से क्या हुआ, अधिकतम कर लगाया गया, मैक्सिमम टैक्सेशन हुआ, भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। रीजन मैंने बताया कि रॉ मटेरियल लेने के बाद अंग्रेजी सामान के आगे भारतीय उद्योग नहीं टिक पाए, जिससे मजदूर की मजदूरी में गिरावट आ गई। नई भूमि राजस्व नीति के तहत भारी कराधान,
दूसरा राजनीतिक कारण में हमने बात की आपसे, राजनीतिक कारण में क्या जाना, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के साथ तहत क्या हुआ, राजाओं को अपने राज्य क्षेत्र में कंपनी की सेना रखनी पड़ी और राजा क्या हुआ, स्वतंत्रता का हनन हुआ, राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, यानी कि राज्य हड़प नीति की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के तहत क्या हुआ भाई, इसको हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस व्यपगत के सिद्धांत के तहत क्या हुआ, डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि जिस राजा की कोई संतान नहीं थी अपनी, वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था और राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाना पड़ता था। तो यहां क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, दत्तक पुत्र को गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी कोई भी राजा अब दत्तक पुत्र यानी कि कोई भी गोद का पुत्र नहीं ले सकता था, उसे राजा घोषित नहीं किया जा सकता था, उसे अपने राज्य का वारिस नहीं बनाया जा सकता था। और इसी आधार पर जिस राज्य का सबसे पहले विलय हुआ उस राज्य का नाम था सतारा। और सतारा का विलय कर लिया अंग्रेजों ने 1848 में, एक सीरीज में लिख रहा हूं। उसके बाद जो विलय हुआ उस राज्य का नाम था जैतपुर, संबलपुर, इनका विलय हुआ 1849 में, 1849। इसके बाद जो विलय हुआ बाधार का जो विलय हुआ 1850 में हुआ। इसके बाद जिस राज्य का विलय हुआ उस राज्य का नाम था उदयपुर, और उदयपुर का विलय हुआ 1852। आ रहा है क्या, 1852। इसके बाद जिस राज्य का विलय हुआ उसका नाम था झांसी, और झांसी का विलय हो गया 1853। झांसी के बाद जिस राज्य का विलय किया गया उस राज्य का नाम था नागपुर, और नागपुर का विलय किया गया 1854। इसके बाद जो विलय हुआ वो राज्य था करौली, करौली का विलय हुआ, करौली का 1855। और इसके बाद विलय हुआ अवध, अवध का विलय हुआ 1856। लेकिन लेकिन ये क्रम है दत्तक नीति के तहत, जो सॉरी हड़प नीति के तहत जो विलय हो रहा है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाधार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध। हुआ ये कि करौली के विलय को बोर्ड ऑफ सेंट्रल ने मान्यता नहीं दी। करौली का विलय जो 1855 में हुआ किसने मान्यता नहीं दी, बोर्ड ऑफ सेंट्रल ने मान्यता नहीं। मान्यता नहीं दी, तो इसलिए क्या करना पड़ा, करौली को वापस करना पड़ा।
करौली का विलय तो कर लिया था, लेकिन जब मान्यता नहीं मिली तो उसको वापस करना पड़ा। सबसे अच्छा काम, यानी कि सबसे अलग तरीके से काम हुआ अवध के साथ। अवध का विलय दत्तक पुत्र के आधार पर किया तो गया था, लेकिन कर नहीं पाए, तो उसको नया रूप दिया गया। वो क्या दिया गया देखते 1856। अवध, जो अवध का विलय हो रहा है वो विलय हो रहा है कुशासन के आधार। मतलब किस तरीके से, यानी कि ये बात बताई कही गई कि अवध में कुशासन, यानी कि अवध की जो राज्य है वो अंग्रेजी मान्यता के हिसाब से नहीं चल रहा, वहां पर कैसी षड्यंत्रकारी नीतियां हो रही हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ हो सकती हैं, इसको आधार बनाया है अवध के लिए। अब आधार बनाने के लिए क्या किया जाए, आधार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, मैंने भी बताया था सहायक संधि। सहायक संधि को मैंने बताया तो यहाँ क्या था, कंपनी की सेना, कंपनी की टुकड़ी। तो कंपनी की टुकड़ी तो हर कंपनी का एक रेजिडेंट, जिसको सेनापति कहते हैं, रेजिडेंट होता था। अब रेजिडेंट जो होता था, रेजिडेंट उस कंपनी सेनापति होता था, उस कंपनी की टुकड़ी का मुखिया होता था। इसी तरह से अवध में भी एक रेजिडेंट था, जिस पर क्या था, वहां की देखरेख का काम था। तो अवध के रेजिडेंट अवध के रेजिडेंट जिनका नाम था सिलीमैन, क्या नाम था, सिलीमैन से रिपोर्ट मांगी गई यानी कि इनसे कहा गया कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके दें जिसमें ये लिखा जाए, लिखें कि अवध में जो शासन चल रहा है वो सरकार के अंग चल रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है। लेकिन सिलीमैन ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सिलीमैन ने ऐसी रिपोर्ट देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जब सिलीमैन ने ऐसी रिपोर्ट देने से मना कर दिया तो अवध को एक नया रेजिडेंट दिया गया, सिलीमैन को उसके पद से हटा दिया गया और आउट्रम को नया रेजिडेंट बनाया गया। क्या किया गया, आउट्रम को नया रेजिडेंट नियुक्त किया गया। आउट्रम को नया रेजिडेंट नियुक्त किया गया और आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ। आउट्रम को भी सिर्फ उतने ही समय के लिए रेजिडेंट बनाया गया जितने समय के लिए विलय करना था, और विलय के बाद क्या हुआ, विलय के बाद अवध को एक नया रेजिडेंट दिया गया जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस को नया रेजिडेंट नियुक्त किया गया। तो हमने देखा राज्य हड़प नीति के तहत क्या हुआ, राज दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त किया गया। पहले विलय हुआ सतारा का, उसके जयपुर, संबलपुर, बादार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध। नागपुर तक ये विलय कर गए हैं। करौली के विलय को बोर्ड ऑफ सेंट्रल ने मान्यता नहीं दी, करौली को वापस करना पड़ा। जब इन्होंने देखा कि करौली के विलय को मान्यता नहीं मिली है, तो उन्होंने नया खेल खेला अवध के साथ, और वो खेल था कुशासन, कि यहाँ का राज्य, यहाँ का शासन सरकार के खिलाफ चल रहा है, षड्यंत्रकारी नीतियाँ हो रही हैं। अब इस कुशासन की रिपोर्ट कौन तैयार करे, तो वहाँ का कोई सेनापति तैयार करेगा। सिलीमैन से रिपोर्ट मांगी, लेकिन सिलीमैन साहब ने इस रिपोर्ट को देने से क्या कर दिया, मना। जब इन्होंने काम करने से मना कर दिया तो नए इनको इनके पद से मुक्त कर दिया गया और नए व्यक्ति को रेजिडेंट नियुक्त किया गया जिसका नाम था आउट्रम। आउट्रम को नया रेजिडेंट बनाया गया और इनकी ही रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय हुआ, तो हुआ आउट्रम के। ठीक है, इसके बाद अवध के नए रेजिडेंट बने हेनरी लॉरेंस। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में
आई होगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। और भी हुआ, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया। तो इस तरह से इनके बहुत सारे कारण रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये राजनीतिक कारण रहे। आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या है, सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण भाई, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है कि 1829 1829 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। और सती प्रथा पर किसके प्रयासों से प्रतिबंध लगाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राममोहन राय के प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक। अठारह सौ उनतीस के अधिनियम के धारा 17 के तहत ये काम किया गया, किसके तहत, धारा 10(5)(2)(17) के तहत ये काम किया गया। उसके बाद 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1850 में एक एक्ट आया, रिलीजियस एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के तहत क्या किया गया, इसके तहत किया गया जो व्यक्ति धर्मांतरित करेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। तो यह भी किया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी और धर्म में जाता है आता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। दूसरा तत्कालिक कारक के रूप में हम जानते हैं गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। जब पैटर्न राइफल आई, न्यू एनफील्ड पैटर्न राइफल आई आपकी 1857 में, एनफील्ड पैटर्न राइफल, इस एनफील्ड पैटर्न राइफल में क्या था, इसके कारतूस में गाय और सूअर के मांस का होना, गाय और सूअर के मांस,
जब इसकी अफवाह उड़ी गाय और सूअर के मांस की, तो गाय हिंदुओं की माता और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो जब इसकी बात उड़ी तो ये भी इसका एक कारण बना धर्म को लेकर। तो धार्मिक कारण जो कुछ ये रहे, इसी तरह से कुछ सैन्य कारण रहे। सैन्य कारणों में जैसे कि एक और धार्मिक कारण के रूप में हम उसको कह सकते हैं, जनरल सर्विस एक्ट आया 1856। जनरल सर्विस एक्ट 1856 के तहत भारतीय सैनिकों को अब विदेशों में भी युद्ध के लिए भेजा जा सकता था। जबकि भारत में समुद्र को, यानी कि भारतीय सैनिक समुद्र को देवता मानते थे, समुद्र को लांघना उनके लिए धर्म के खिलाफ था। तो धर्म के खिलाफ था तो ये भी क्या कारण बना, अंग्रेजों के विरुद्ध बना। जैसे कि 7:1 का होना, भारतीयों का 7 अंग्रेजों का 1, 1:1, यानी कि जो सैनिकों की भर्ती थी उसमें विसंगति थी, वेतन में विसंगति थी। एक ही पद पर होने के बाद भी भारतीयों कम वेतन, अंग्रेजों को ज़्यादा वेतन। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण कारक बने जो पहले से चलते आ रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ गए। तो ये जो विद्रोह था 1857 का, उसका कारण कोई तत्कालिक नहीं था, ये बहुत लंबे समय से विरोध था जो उस समय आकर, यानी कि यहाँ पर आकर उस विरोध के बांध को, जो सब्र का बांध था वो टूट गया और ये बदल गया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विद्रोह के प्रसार की, कि विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों विद्रोह की तारीख 23 जनवरी 1857 नहीं मानी गई, क्यों विद्रोह की तारीख 10 मार्च हुई। तो इस तरीके से 10 मार्च नहीं सॉरी 10 अप 10 मई सॉरी 10 मई हुई। तो इन सब की बात हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को आप पूरी तरह से वायरल कर दें, पूरे देश में वीडियो छा जानी चाहिए, तो ये वायरल करने का काम आप ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अपनी मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं। 1857 का रिवॉल्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ जो मैं आपको 1857 का रिवॉल्ट कराऊँगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी उठा ले। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।